नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटमोलॉजी में इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर इन पेस्ट मैनेजमेंट। देखो, बात समझना ध्यान से, जो भी इंसेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उन इंसेक्ट के अंदर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर निकलते हैं जो कि इंसेक्ट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इंसेक्ट के ग्रोथ को या तो रोकते हैं या तो इंसेक्ट की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं ये दो ही तरीके से काम करते हैं, या तो पॉजिटिव वे में काम करेंगे या तो नेगेटिव वे में काम करेंगे। अगर पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो इंसेक्ट के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, जैसे उसकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगी, उसका वृद्धि और विकास बहुत कायदे से होगा, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। वहीं अगर नेगेटिव तरीके से काम करेगा तो इंसेक्ट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। तो किस तरीके से हम पेस्ट को मैनेज करने के लिए अपने खेतों में, जो हम फसलें लगाते हैं उसमें, अपने खेतों में पेस्ट को मैनेज करने के लिए हम किस तरीके से इंसेक्ट में जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनकी मदद कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से हार्मोन इंसेक्ट में निकलते हैं और वो किस तरीके से इंसेक्ट के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर इन पेस्ट मैनेजमेंट। बात समझना, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर रिफर्स टू एज ए केमिकल, चाहे फिर वो नेचुरल हो और चाहे फिर सिंथेटिक हो, दैट रेगुलेट ग्रोथ इन इंसेक्ट्स आर नोन एज इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बात समझना ध्यान से, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कि नेचुरली भी बनाए जा सकते हैं, मतलब जो नेचुरली भी बनते हैं, मतलब इंसेक्ट में ऑटोमेटिक बनते हैं, और कुछ सिंथेटिक भी होते हैं जिनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं, ये इंसेक्ट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक, ये बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, उसमें दोनों तरीके में कौन कौन सा है, पहला तो है इंसेक्ट हार्मोन और दूसरा क्या है अभी आगे आएगा तो मैं बताऊँगा। इंसेक्ट हार्मोन्स में क्या होता है, सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ब्रेन हार्मोन। ये ब्रेन जो हार्मोन है इट सिक्रेटेड बाई न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, बोले एनएससी जो होती हैं, यानी कि एनएस सेल होती हैं ब्रेन में, जो इंसेक्ट के ब्रेन में जो सेल्स होती हैं उन्हीं सेल्स के द्वारा इन हार्मोन को निकाला जाता है, जो ब्रेन हार्मोन होते हैं। और ये ब्रेन हार्मोन क्या करते हैं, इंसेक्ट का जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ, इसी में आके मिल जाते हैं। और ये कौन करता है, ये करता है कॉर्पोरा कार्डिकिया। ये क्या होता है कॉर्पोरा कार्डिका, ये एक तरीके का ऑर्गन होता है इंसेक्ट के बॉडी में, इंसेक्ट का जो माइंड होता है वहाँ पर होता है। यही क्या करता है, यही हार्मोन को सिक्रेट करवाता है जो वहाँ की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं वहाँ से सिक्रेट करवाता है, और फिर वो सिक्रेट करके कहाँ चली जाती हैं, हीमोलिम्फ में आकर घुल जाती हैं। एक कॉर्पोरस कार्डिकम, यानी कि इसी की बात हो रहा है, कॉर्पोरा जो होता है ये एक ऑर्गेनिज्म होता है हुच न्यूरोसिक्रेटरी प्रोडक्ट आर स्टोर इन द नर्वस टर्मिनल फॉर लेटर यूज इनटू द वेस्कुलर सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन, ब्रेन हार्मोन जो इंसेक्ट के अंदर से निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो पहले कार्पस कार्डेकम में स्टोर होते हैं, फिर उसके बाद पूरे इंसेक्ट के वेस्कुलर सिस्टम में अगर कहीं भी ज़रूरत होती है उस हार्मोन की तो वहाँ पर ये पहुंचा दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन हार्मोन। ठीक, ब्रेन के अंदर के जो हार्मोन होते हैं इन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन हार्मोन हम कहते हैं। अब एक तो ब्रेन हार्मोन हो गया, ध्यान से समझना, ये इंसेक्ट हार्मोन में पहला तो हो गया ब्रेन हार्मोन, अब हम दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, बी जुवेलाइन हार्मोन। बात समझना, इट इज ए टर्पेंस एच सी, बोले तो हाइड्रोकार्बन होता है एक तरीके का, ये जुवेलाइन जो हार्मोन होता है ये एक तरीके का टर्पेंस होता है। टर्पेंस क्या होता है, टर्पेंस एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है। इस हार्मोन में हाइड्रोजन और कार्बन के जो एलिमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो निकलता है जुवेलाइन हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है कॉर्पोरा अलाटा से निकलता है। ये भी एक ऑर्गन होता है इंसेक्ट के बॉडी में, ध्यान से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जो जुवेनाइल हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रेट होता है, यानी कि ये निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है कॉर्पोरा अलाटा से। ठीक, ऑप्शन में अगर कॉर्पोरा अलाटा आएगा तो उसको आपको टिक करना है। ये किस तरीका का एक हार्मोन है, ये एक इंसेक्ट हार्मोन है।
इट इनहिबिट मेटामॉर्फोसिस एंड कीप लार्वी इन जुबेनाइल फॉर्म। बात समझना, ये जुबेनाइल हार्मोन क्या करता है, जो इंसेक्ट का जुबेनाइल फेज है उसको बढ़ा देता है। इंसेक्ट बहुत देर तक, बहुत दिनों तक जुबेनाइल फेज में ही पड़ा रह जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये कारपोरा अलाटा से ये हार्मोन निकलता है तो इसके निकलने की वजह से जो इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, वो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया धीरे हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस ऐसे समझिए, एक तरीके का रूप परिवर्तन होता है। अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलें, इंसेक्ट में लार्वा जो होता है वो कैटरपिलर बनता है, फिर एडल्ट बनता है, तो वे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बनता है। आगे हम पढ़ाएंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये सब डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जुबेनाइल जो हार्मोन होता है, ये मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है इसी को ये रोक देता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो जुबेनाइल फॉर्म में काफ़ी दिनों तक पड़ा रह जाता है। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था विलियम, इन्होंने 1966 में इस टर्म को दिया था। वो टर्म क्या था, थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड टू दीज केमिकल्स। बात समझना, थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड टू दीज केमिकल्स, बात समझना। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का नाम था विलियम, इन्होंने 1967 में बोला था कि ये जो जुबेनाइल हार्मोन होते हैं ये थर्ड जनरेशन के एक तरीके के पेस्टिसाइड होते हैं। थर्ड जनरेशन का पेस्टिसाइड का मतलब, ये एक तरीके के ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं, यह एक तरीके का ऐसे पेस्टिसाइड का काम करते हैं जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा जाएगा। अब इसको अगर हम समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंसेक्ट अपने जुबेनाइल फॉर्म में बहुत देर तक पड़ा रहेगा, ध्यान से समझना, इंसेक्ट का जो जुबेनाइल फॉर्म होता है मतलब ऐसे समझो वो डॉर्मेंसी में चला गया रहता है। इंसेक्ट न तो मूव करता है और ना ही कोई डैमेज करता है, मतलब जो फसलों को डैमेज करने वाला काम है वो इंसेक्ट अपने जुबेनाइल फेज में नहीं कर पाता है। तो ध्यान से समझना कि अगर ये जो इंसेक्ट है ये काफ़ी लंबे समय तक अपने जुबेनाइल फेज में ही पड़ा रहे तो हमारी जो फसलें हैं वो सेफ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, वो बिल्कुल ही सेफ रहेंगी। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट उस दौरान जुबेनाइल फेज में पड़ा रहेगा। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो प्रक्रिया है जुबेनाइल हार्मोन की, इसी को हम इसी वजह से बोल सकते हैं कि ये थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड का भी काम करता है, क्योंकि पेस्टिसाइड भी अल्टीमेटली क्या करता है, जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनसे हमारी फसलों को बचाता है, फसलों को नुकसान ना कर पाए जो कीट पतंगे होती हैं, इसलिए यूज किया जाता है पेस्टिसाइड। तो एक तरीके का ये जो जुबेनाइल हार्मोन होता है ये भी यही काम अल्टीमेटली करवा रहा है। जब इंसेक्ट अपने जुबेनाइल फॉर्म में बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा तो फसलों को नुकसान नहीं कर पाएगा, इसी वजह से इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है। आइडिया इसका जो था जुबेनाइल हार्मोन का, कि इसको इंसेक्टिसाइड्स के तरीके से यूज किया जाए, ध्यान से समझना, ये इंसेक्टिसाइड नहीं है, जुबेनाइल हार्मोन एक इंसेक्टिसाइड नहीं है, मतलब इसको इंसेक्टिसाइड जैसा हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसको इन्होंने कब सोचा था, विलियम्स ने, इन्होंने सोचा था 1956 में, सॉरी, उन्होंने 1956 में सोचा था, इनके दिमाग में था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और 1967 में फिर इन्होंने इस टर्म को इजाद दिया कि ये थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, व्हेन जुबेनाइल हार्मोन इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन द न्यू क्यूटकिल इज फॉर्म लार्वी। बात समझना ध्यान से, एक लार्वी होता है, उसके बाद दूसरा होता है प्यूपा और तीसरा होता है एडल्ट, ठीक, ध्यान से समझना। इंसेक्ट में एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, क्या क्या होता है, पहले तो होता है एग, फिर होता है लार्वा, फिर होता है प्यूपा, फिर होता है एडल्ट। अब जुबेनाइल फेज में क्या होता है कि जब ये एग होता है, तब की बात छोड़ दो, ये तो जुबेनाइल फेज में आता नहीं है, जब लार्वा होता है तो इस समय जो जुबेनाइल हार्मोन होता है इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कब, लार्वल स्टेज में जुबेनाइल हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, फिर प्यूपल जब स्टेज आती है तब यहाँ पर ये जुबेनाइल हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, और जब एडल्ट हो जाता है तब, क्योंकि जुबेनाइल जो फेज होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसी वजह से एडल्ट में
जुबेनाइल हार्मोन जो होता है उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या बोल सकते हैं हम अब्सेंट हो जाता है। ध्यान से समझना, जुबेनाइल हार्मोन स्टार्ट कहाँ से होता है, लार्वा से स्टार्ट होता है और एडल्ट के बीच तक चलता है, यानी कि लार्वा से लेके एडल्ट तक रहता है, इसी के बीच में रहता है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कब रहेगा इस हार्मोन का, जुबेनाइल हार्मोन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्मोन किस स्टेज में रहता है, तो वो किस स्टेज में रहेगा, लार्वल स्टेज में। जब इंसेक्ट अपने लार्वल स्टेज में होता है तब वहाँ पर ये जुबेनाइल जो हार्मोन होता है इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जब ये प्यूपल स्टेज में हो जाता है तो जुबेनाइल हार्मोन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा और कम हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो एडल्ट में जाता है तो एडल्ट में जाने के बाद जुबेनाइल हार्मोन जो होता है वो बिल्कुल अब्सेंट हो जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं मेटाफर मेथोफ्रेन, जिसको हम बोलते हैं एल्टोसाइड। ये पहला जो था ये ग्रोथ रेगुलेटर था, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि फर्स्ट बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड था। मतलब ये पहला इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर था जिसका क्या नाम था, मेथोप्रेन। ठीक, आगे बात करते हैं। और इसके अलावा दूसरे लॉजिक के नाम से और एडमिरल इन ढेर सारे नाम से फिर ढेर सारे धीरे धीरे इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर की खोज होती गई। अब आगे हम बात करते हैं, देखो बात समझना, जो मैं इंसेक्ट हार्मोन बोल रहा था, इंसेक्ट हार्मोन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रेन हार्मोन। ब्रेन हार्मोन के जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा, ब्रेन हार्मोन के बाद हमने पढ़ा जुबेनाइल हार्मोन। अब जुबेनाइल हार्मोन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एंटी जुबेनाइल हार्मोन। ये बिल्कुल जस्ट जुबेनाइल हार्मोन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दे इनहिबिट फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा एराटा एंड बायोसिंथेसिस ऑफ जुबेनाइल हार्मोन। बात समझना, एंटी जुबेनाइल हार्मोन जो होते हैं ये कॉर्पोरा एराटा का जो फंक्शन होता है उसको रोक देते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ये कॉर्पोरा एराटा जो इंसेक्ट के अंदर एक ऑर्गन होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, किस हार्मोन की वजह से, ये एंटी जुबेनाइल हार्मोन की वजह से। और इसके साथ साथ जो जुबेनाइल हार्मोन निकल रहे होते हैं, जो उनकी बायोसिंथेसिस होती रहती है, उनको भी रोक देता है। समझ पा रहे हो, कॉर्पोरा एराटा में चीज़ें स्टोर होती हैं, जुबेनाइल हार्मोन जो निकलता है वो स्टोर होता है। तो जब एंटी जुबेनाइल हार्मोन जो निकलता है जिसको हम बोलते हैं परकोसेंस, ये क्या करता है कि पहले बात तो जहाँ स्टोर हो रहा है उसके फंक्शन को रोक देगा, और इसके साथ साथ जो ये हार्मोन निकल रहा था जुबेनाइल हार्मोन इसके सिंथेसिस को भी रोक देगा। मतलब बिल्कुल ही जुबेनाइल हार्मोन ना तो स्टोर होने देगा ना ही सिक्रेट होने देगा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंटी जुबेनाइल हार्मोन। ये किस में, ये किस नाम से सिक्रेट होता है, ये होता है परकोसेंस नाम का हार्मोन होता है। समझ गए, ये एक तरीके का क्या होता है, ये परकोसेंस एक तरीके का एंटी जुबेनाइल हार्मोन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला मोल्टिंग हार्मोन की। यह भी एक तरीके का इंसेक्ट का हार्मोन होता है, यह चौथे प्रकार का हार्मोन है जो इंसेक्ट हार्मोन होता है, मोल्टिंग हार्मोन। ये किस नाम से होता है, ये होता है एक्डिसोन। एक्डिसोन किस तरीके का हार्मोन है, ये हार्मोन का नाम है ये। ठीक, एक्डिसोन हार्मोन का नाम है। ये हार्मोन क्या करता है, ये मोल्टिंग हार्मोन है, मतलब मोल्टिंग करवाता है। ठीक, मोल्टिंग मैंने बताया था, मोल्टिंग में क्या होता है कि इंसेक्ट अपने बॉडी में जो क्यूटिकल की परत होती है ऊपर, जो अपनी बॉडी के ऊपर होता है केचुली होता है, उसको छोड़ता है, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है उसी तरीके से क्यूटिकल की जो परत होती है इंसेक्ट के ऊपर, जो डेड सेल की एक पतली सी झिल्ली सी बन जाती है, उसी को जब निकालते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एंटोमोलॉजी में, मैंने मोल्टिंग पढ़ाया था, आज हम पढ़ेंगे उसी मोल्टिंग हार्मोन के बारे में। इट इज ए स्टेरॉयड प्रोड्यूस बाई प्रोथेरिक ग्लैंड। क्या होता है, प्रोथेरिक ग्लैंड होती है जो कि PTG के नाम से जानी जाती है, एक तरीके का स्टेरॉयड प्रोड्यूस करती है जिसको हम मोल्टिंग हार्मोन बोलते हैं। मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रेजेंस ऑफ मोल्टिंग हार्मोन एक्डिसोम। एक्डिसोम का कंसंट्रेशन कितना है, ज़्यादा है कि कम है, यही डिपेंड करवाता है कि मोल्टिंग कैसा होगा। इन इंसेक्ट कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज ए प्रेसर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ एक्डिसोम। बात समझना,
अगर इंसेक्ट की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ध्यान से समझना, अगर इंसेक्ट की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो इंसेक्ट उसको निकालेगा, ठीक, इंसेक्ट उसको निकालेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल ढेर सारा बनने लगता है तो कोलेस्ट्रॉल ढेर सारा बनना ही ये इंडिकेट करता है कि मोल्टिंग हार्मोन एक्डिसोन बनेगा, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी में जब भी एक्डिसोन, जो कि एक मोल्टिंग हार्मोन है, इसको जब बनना होता है, बोले तो इंसेक्ट की बॉडी में जब ये मोल्टिंग हार्मोन बनता है तो इसके बनने से जस्ट पहले कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट होता है। इंसेक्ट की बॉडी में सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट होगा, फिर वो जो क्यूटिकल की परत होती है इंसेक्ट की बॉडी में, वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, डेड सेल बढ़ती जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के ऊपर आता जाएगा, और इसके बाद एक्डिसोम जो हार्मोन होता है ये भी सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग हो जाएगी। तो एक तरीके का ये मोल्टिंग हार्मोन होता है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे इंसेक्ट हार्मोन की, अब आगे हम बात करेंगे काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, जो काइटिन होती है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला, बात समझना। इंसेक्ट की बॉडी पर एक क्यूटिकल की परत होती है जो काइटिन के नाम से जानी जाती है, मतलब काइटिन होता है, इसके सिंथेसिस को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है। अभी तक तो इंसेक्ट के अंदर के हार्मोन हम पढ़ रहे थे, चाहे वो ब्रेन हार्मोन हो चाहे जुबिलाइन हार्मोन हो, ये सभी हार्मोन कहाँ थे, ये सभी इंसेक्ट के बॉडी के अंदर हो रहे थे। अब ये काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ये इंसेक्ट की बॉडी पर होगा, दे इनहिबिट काइटिन, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, इनकी सिंथेसिस को और इनकी डिपोजिशन को रोक देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसका क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है बुप्रोफिजन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एप्लाउड के नाम से जानते हैं। ये यूज किया जाता है जो होमोप्टेरा इंसेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है, ध्यान से समझना। अगर कोई होमोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है और उस इंसेक्ट पर इस हार्मोन को डाल दिया जाएगा ब्यूप्रोफिजन, तो इससे जो काइटिन की सिंथेसिस होती है इंसेक्ट के बॉडी पर वो रुक जाएगी, बात समझना, ठीक। फिर अगला है टेफ्लुबेंजुरोन जो होता है, ये भी एक तरीके का नोमाल्ट होता है, जो कि कोलेप्टेरियन और लेपिडोप्टेरियन, यानी कोलेप्टेरा और लेपिडोप्टेरा, ये दो ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं इनके अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। ये सभी जब हार्मोन उसके ऊपर पड़ते हैं इंसेक्ट पे, तो इंसेक्ट की बॉडी से काइटिन निकलना बंद हो जाती है और काइटिन की सिंथेसिस रुक जाती है, जिससे जो इंसेक्ट हैं वो अपना काइटिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। फिर अगला है लुफिन्यूरोन, ये क्या होता है, एक मार्च नाम से आता है, मैच नाम से, ये थ्रिप्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ठीक। अपलॉड किसके अगेंस्ट होता है, होमोप्टेरा के अगेंस्ट यूज किया जाता है। नोमाल्ट जो होता है वो कोलियोप्टेरा या फिर लेपिडोप्टेरा के अगेंस्ट में यूज किया जाता है, और जो मैच होता है ये थ्रिप्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। ये सभी किस तरीके के हैं, ये सभी हार्मोन काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, बोले तो काइटिन की सिंथेसिस को रोकने वाले हैं। इनहिबिटर्स का मतलब ऐसे समझो कि रोकने वाले हैं, काइटिन की सिंथेसिस को ये सभी हार्मोन जो होते हैं वो रोक देते हैं, अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके से। तो ये दो तरीके के हार्मोन जो इंसेक्ट में थे, जो ग्रोथ रेगुलेटर के तरीके से काम करते हैं, और इनको हम एज ए पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, मतलब ये जब निकलते हैं या इनको रोका जा सकता है, इनकी ये प्रक्रियाएं जो होती हैं इनकी मदद से हम इंसेक्ट से जो हमारी फसलों को नुकसान होता है उसको हम बचा सकते हैं, चाहे नेचुरली हम प्रोड्यूस करवा के बचवा पाएँ और चाहे हम सिंथेटिक हार्मोन का यूज करके हम बचा पाएँ। इस पर काफ़ी ज़्यादा अभी रिसर्च होनी बाकी है, इसका फ्यूचर आगे बहुत ब्रॉड है, क्योंकि इस पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, और आने वाले समय में जिस तरह हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं उसके जो रेजिडुअल इफेक्ट हैं वो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, इसी वजह से आने वाले समय में जो केमिकल हैं इनको रिप्लेस करने के लिए ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ये जो बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट है या फिर बायोकेमिकल पेस्ट मैनेजमेंट है और या फिर ये हार्मोनल टाइप का जो पेस्ट मैनेजमेंट है, ये आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखेंगे आपको। अभी तो बहुत कम है, अभी तो लैब में होता है या बहुत ही कहीं सोफिस्टिकेटेड टाइप की कोई क्रॉप होगी तो वहाँ देखने को मिलेगा, वैसे लार्ज स्केल पर कमर्शियल स्केल पर अभी इसका यूज उतना नहीं होता है, इस पर अभी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना बाकी है,
और ये भी अभी इसमें बनाना बाकी है कि इसको किस तरीके से कॉमर्शलाइज किया जाए, कोई चीज़ कॉमर्शियल कैसे आएगी जब उसका प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, किसानों तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस पर अभी काफ़ी रिसर्च बाकी है। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ सेमियो केमिकल्स इन पेस्ट मैनेजमेंट। बात समझना, सेमियो केमिकल्स का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने खेत में पेस्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक, अब ध्यान से समझना, सेमियो केमिकल्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक तरीके का मैसेज कन्वे करते हैं किसके अंदर, किसी एक ऑर्गेनिज्म के नेचुरल केमिकल्स रिलीज करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जो अफेक्ट करता है उनके बिहेवियर को दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे फेरोमोन्स आर इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल्स, जैसे फेरोमोन जो होता है वह इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल्स होता है दैट सिक्रेटेड बाई एन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट एंड कॉजेज स्पेसिफिक रिएक्शन। इंटर स्पेसिफिक सिग्नल्स नोन एज एलोमोन्स एर एंड कायरोमोन्स हैव सिमिलर फंक्शन। ध्यान से समझना, ये सेमी केमिकल्स जो होते हैं इनका क्या मतलब है? नेचर ने मेल और फीमेल सब में बनाए हैं, जितने भी जीव हैं सब में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ये अपनी संतति को बढ़ा पाए इसलिए नेचर ने इनको अलग अलग तरीके की, ऐसे समझो कि कलाएं दी हुई हैं। ठीक, जैसे फीमेल किस तरीके से मेल को अट्रैक्ट करती है, तो इसी में एक तरीके का सेमियो केमिकल्स रिलीज करती है फीमेल। इसमें क्या होता है कि जब फीमेल को मेटिंग करनी होती है, मेटिंग का मतलब समझ रहे हो, संतति बढ़ाने के लिए जब उसको मेल की ज़रूरत पड़ती है, तो जब मेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी फीमेल को, तब वो अपनी बॉडी से कोई एक हार्मोन सिक्रेट करेगी, कोई एक केमिकल निकालेगी। ठीक, वो केमिकल महकेगा और दूर तक फैल जाएगा, ठीक, एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, जिससे एक सिग्नल मिल जाता है सामने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म को कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ये कई तरीके से हो सकते हैं, ये हो सकता है अपने मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए हो। दूसरे तरीके से ये भी हो सकता है कि कहीं कोई खतरा दिखे तो एक केमिकल निकाल के बताएं कि हाँ अगल बगल में कोई खतरा है, या लोगों को झुंड में बुलाने के लिए, जैसे मधुमक्खियाँ एक आती है फिर उसके बाद ढेर सारी मधुमक्खियाँ वहाँ आ जाती हैं। उसी तरीके से जब कोई एक मधुमक्खी पता चला कि किसी को खतरा है तो सबको पता चल गया, तुरंत उसने स्प्रेड करवा दिया। तो ये जो केमिकल निकल रहे होते हैं एनवायरनमेंट में जाते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, फिर इन्हीं का यूज करके हम पेस्ट कंट्रोल का काम कर लेते हैं। ठीक, अधिकतर ये फीमेल के द्वारा ही निकाले जाते हैं। फीमेल जो होती है एक तरीके का ये केमिकल निकालेगी, एनवायरनमेंट में ये फैल जाएगा और दूर तक जाएगा। जब ये दूर तक जाएगा तब कोई मेल अगर इसको पाएगा या उसका और कोई साथी पाएगा तो वो समझ जाएगा कि उस सुगंध का क्या मतलब है। अगर बुलाने वाला होगा तो मेल आ जाएगा, अगर झुंड को बुलाने वाला होगा तो उनकी पूरी झुंड आ जाएगी, और अगर कहीं डेंजरस होगा तो उनकी पूरी झुंड भाग जाएगी। समझ गए? तो ये तरीका होता है। तो इसी में सेमियो केमिकल्स का यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब इसमें जो सेमियो केमिकल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक, ये एक ही स्पेसीज के अंदर काम में आता है, मतलब एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को रोकने या फिर दूर करने या फिर बुलाने के लिए या फिर मेल को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करती है एक ही स्पेसीज में, जैसे मेढक मेढकी को बुलाएगा। ठीक, इस तरीके से समझ लो। दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक, इसमें क्या होता है कि एक एक जो इंसेक्ट होता है वो केमिकल निकालता है और उसको दूसरे सूंघ लेते हैं। जैसे बात समझना, जब जंगल में शेर चलता है तो जो वो सूसु करता है उसको कई बार हिरन सूंघ लेते हैं, और हिरन सूंघ के जान जाते हैं कि आगे खतरा है, शेर इधर इसी रास्ते से गया है तो उधर नहीं जाते हैं। समझ गए? तो ये हो गया इंटर स्पेसिफिक। और वहीं मेढक और मेढकी का मैंने बताया तो वो कैसा था? इंट्रा स्पेसिफिक, वो दोनों सेम को अट्रैक्ट करने के लिए था और ये दूर करने के लिए अलग अलग स्पेसीज, एक शेर था और एक हिरन था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये इंटर स्पेसिफिक सेमी केमिकल्स क्या होते हैं, सेमियो केमिकल्स, और इंट्रा स्पेसिफिक सेमियो केमिकल्स क्या होते हैं।
ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये जो इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे सॉरी, ये जो सेमियो केमिकल्स होते हैं दो ग्रुप में जैसे मैंने बोला कि बांटा गया है। पहला है इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब कि किसी एक स्पीसीज में ये काम करते हैं। जैसे मधुमक्खी है तो मधुमक्खियों के लिए केवल काम करेगी, कोई दूसरा इंसेक्ट या कोई और दूसरा इसको सूंघ के कुछ जान नहीं पाएगा। ठीक, मेढक है तो मेढकी का, ऐसे मतलब समझ रहे हो, सेम ही इंसेक्ट सेम ही चीज को जान पाता है। फेरोमोन एक तरीके का क्या होता है, ये इंट्रा स्पेसिफिक सेमियो केमिकल्स होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक स्पीसीज निकालता है, जैसे मान लो अगर तिलचट्टे की फीमेल ने इस तरीके का केमिकल निकाला तो तिलचट्टे का जो मेल होगा केवल वही जान पाएगा, उसको कोई दूसरा इंसेक्ट नहीं जान पाएगा, जैसे अभी टिड्डा नहीं जान पाएगा या मधुमक्खी नहीं जान पाएगी। तो ये होता है इंट्रा स्पेसिफिक सेमियो केमिकल्स, जिसको कहते हैं, जो कि फेरोमोन के नाम से जाना जाता है। द टर्म फेरोमोन जो है इसको बनाया था कार्लसन ने और लूसर ने, कब बनाया था, 1959 में बनाया था। तो फेरोमोन जो है ये एक तरीके का इंट्रा स्पेसिफिक सिग्नल है जो कि एड इन फाइंडिंग मेट्स, फूड, हैबिटेट, रिसोर्सेज, वार्निंग ऑफ एनिमीज एंड अवॉइड कंपटीशन। बात समझना, ये फेरोमोन कई तरीके से काम करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि डराने के लिए, झुंड को इकट्ठा करने के लिए, भगाने के लिए, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। वो फाइंडिंग मेट्स, वो मेट की फाइंडिंग में काम कर सकता है, मतलब अगर फीमेल है तो वो इस तरीके का केमिकल निकालेगी तो जिससे कोई मेल उसको सूंघ के आ जाएगा, फिर मेटिंग होगी और उनकी संतति बढ़ेगी। ठीक, ये तो पहला तरीका है। दूसरा फूड, पता चला कोई एक चींटी आ गई, एक चींटी आई और वो गुड़ खा रही है, आपने थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एक चींटी से वहाँ ढेर सारी 100, 150, 500 चींटी आ जाएंगी थोड़ी देर में। कैसे आती हैं, वही सेमियो केमिकल्स चींटी निकालती है कि यहाँ एक फूड मटेरियल हमको मिल गया है, चले आओ। दूसरा है हैबिटेट रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, मान लो एक मधुमक्खी है उड़ते हुए गई, उसने पेड़ पर कोई एक अच्छी सी जगह देख ली जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती हो और बरसात होने पर वहाँ पर पानी डायरेक्ट नहीं गिरता हो। ये सभी चीज़ें कोई एक मधुमक्खी देख लेगी तो वो समझ जाएगी कि यहाँ हम अपना जो हाइव है, छत्ता है, वो बना सकते हैं, तो वो बुला लेगी बाकी सभी लोगों को, चले आओ यहीं पर आके रहेंगे, तो वे अपना हैबिटेट खोज रही हैं। इस केमिकल से निकालती हैं और बता देते हैं कि यहाँ आओ यहीं सब रहेंगे, ये हैबिटेट बन गया। वार्निंग ऑफ एनिमीज, कोई एक फंस जाता है तो वो अपने एक आवाज़ निकालता है या कोई एक सेमियो केमिकल रिलीज कर देगा जिससे अगल बगल के लोग जान जाएंगे कि भैया यहाँ खतरा है, नहीं आना, हम तो फंसी गए हैं, चाहे हम बचें चाहे नहीं बचें, लेकिन आप सब बचे रहना। तो ये एक वार्निंग होता है एनिमी से बचने के लिए। और अवॉइडिंग कंपटीशन, कई बार कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि एक कोई इंसेक्ट है गया है कहीं कुछ खा रहा है। ठीक, मान लो एक इंसेक्ट है एक फूल पे गया है और वहाँ पर उसको डैमेज कर रहा है, तो वो इंसेक्ट उस पे पहुँच के ऐसे सेमियो केमिकल्स रिलीज करता रहेगा कि जैसे और कोई दूसरा नहीं आ पाए, दूसरा जब आएगा तो उसको सुगंध पता चल जाएगी, तो वो जान जाएगा कि यहाँ कोई है और पहले ही अपना वो काम कर रहा है, मतलब खा रहा है, तो वहाँ से भाग जाएगा, जिससे कंपटीशन नहीं हो, नहीं पता चले एक ही फल पर ढेर सारे लोग आके इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो इंट्रा स्पेसिफिक सेमियो केमिकल जो कि फेरोमोन होता है, इसी तरीके से ये फिर काम करता है। फिर आगे हम बात करते हैं सेक्स फेरोमोन की। जैसे ये मैंने बताया इंट्रा स्पेसिफिक फेरोमोन, इसी में सेक्स फेरोमोन आता है। ये भी एक तरीके का जो फेरोमोन, जैसे मैंने बताया ये फेरोमोन कई तरीके के हैं, इसमें से एक सेक्स फेरोमोन है। ये क्या करता है, फर्स्ट सेक्स फेरोमोन जो था वो डिस्कवर किया गया था बुटेंडिड ने इसको किया था 1955 में। कहाँ से निकाला था, सिल्क वर्म में से, यानी कि शहतूत का जो कीड़ा होता है वहाँ से निकाला था। नाम था क्या उसका, बॉम्बिकोल नाम का उन्होंने सेक्स हार्मोन निकाला था। ये सेक्स हार्मोन क्या करता था कि जो सिल्क वर्म के मेल हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। मेजोरिटी ऑफ सेक्स फेरोमोन यूज इन पेस्ट मैनेजमेंट आर रिलीज्ड बाई फीमेल स्पीसीज बिकॉज दैट आर मोस्ट पावरफुल इन फेरोमोन एंड हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। इसको ध्यान से समझना,
कोई भी जब सेक्स फेरोमोन की हम बात करते हैं तो सेक्स फेरोमोन ज़्यादातर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, फीमेल स्पीसीज का यूज करते हैं, मादा का यूज करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि मादा के द्वारा जो सेमियो केमिकल्स निकाला जाता है, जो सेक्स फेरोमोन निकाला जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत दूर तक फैलता है और बहुत ढेर सारे मेल को बुला लेता है। समझ पा रहे हो? अब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अब इतना चालाक तो हो ही गए होगे, अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो तो ऐसे तो समझ ही गए होगे कि फीमेल का जो फेरोमोन होता है वो क्यों यूज किया जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। सेक्स फेरोमोन इज यूज इन फॉलोइंग वे, पहला मॉनिटरिंग, दूसरा मास ट्रैपिंग और तीसरा मेटिंग डिस्टर्बेंस। मॉनिटरिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको देखेंगे किस तरीके से इंसेक्ट आ रहा है, डैमेज कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और जैसे हमको लगेगा कि ये अब डैमेज करेगा फिर उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, तो मॉनिटरिंग करने के लिए हम सेक्स फेरोमोन का यूज कर सकते हैं। दूसरा मास ट्रैपिंग के लिए, मास ट्रैपिंग में ढेर सारे आएंगे और ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे किसी एक दरबे में, कोई एक ऐसे हमने जगह बना दी, वहाँ पर ढेर सारे फीमेल आए, उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई फीमेल है जो हमें बुला रही है, और ढेर सारे फिर नर आएंगे वहाँ और फंस जाएंगे, फिर उनको मास ट्रैपिंग इसको बोलते हैं, मतलब ढेर सारे आके एक ही जगह पे फंस जाते हैं। और दूसरा होता है मेटिंग डिसरप्शन, इसमें क्या होता है, इसमें मेल को अलग कर देंगे, मेल को बुला लेंगे कि यहाँ फीमेल है, मेल वहाँ आएगा उसको फीमेल मिलेगी नहीं, फीमेल कहीं अलग हो जाएगी, मेल कहीं अलग हो जाएगा, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अपनी संतति बढ़ा नहीं पाएंगे, मेटिंग नहीं कर पाएंगे, इनकी मेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, रुक जाएगी, लैला को अलग कर देंगे, मजनू को अलग कर देंगे, फिर लैला मजनू के चुन्नू मुन्नू नहीं होंगे, तो इनकी जनसंख्या जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगी। जब ऑटोमेटिक इनकी जनसंख्या घट जाएगी तो हमारी फसल अल्टीमेटली सेफ हो जाएगी। आगे बात करते हैं अदर सेक्स फेरोमोन, जैसे सेक्स फेरोमोन मैंने अभी बताया, इसी तरीके से और भी ढेर सारे सेक्स फेरोमोन आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ये जो बॉम्बिकोल सेक्स फेरोमोन है, इसी तरीके से और ढेर सारे सेक्स फेरोमोन आते हैं, अलग अलग स्पीसीज के लिए यूज होते हैं। जैसे गोसिप्ल्यूर, ये एक तरीके का होता है जो पिंक वॉलवर्म में यूज होता है, इसमें जो ये जो हार्मोन होता है, सॉरी ये जो सेमियो केमिकल्स होता है, ये फेरोमोन जो होता है, ये पिंक वॉलवर्म के मेल को अट्रैक्ट करता है, जो पिंक वॉलवर्म का मेल वाला है, मेल है उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको लगेगा मेल को कि यहाँ पर फीमेल है जो हमें बुला रही है, बस वहीं आएगा और फंस जाएगा। पिंक वॉलवर्म का अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो पेक्टिनोफोरा गोसिफिल्ला है, और इसका जो फेरोमोन है वो किस नाम से आता है, इसका जो फेरोमोन है गोसिप्ल्यूर नाम से जाना जाता है। फिर आगे है हेक्साप्ल्यूर, ये किस में यूज होता है, पारा फेरोमोन के नाम से जाना जाता है, ये भी पिंक वॉलवर्म में यूज होता है। फिर इसके बाद अगला है हेलील्यूर, ये ग्राम पोर्ट बोरर के लिए यूज किया जाता है, ये कि ग्राम पोर्ट बोरर जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। इसके बाद अगला है ग्रैंडल्यूर, ये कॉटन वॉलवर्म होता है, कॉटन वॉर्म बीबिल होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एंटोनोमस ग्रैंडिस। ये भी एक तरीके का क्या होता है, सेक्स फेरोमोन होता है जो कि कॉटन वॉलवर्म में यूज किया जाता है। ये सभी जितने भी फेरोमोन हैं, सेक्स फेरोमोन, ये सभी मेल को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर अलार्म फेरोमोन आता है जो कि एफिड के लिए यूज होता है। अगला है एग्रीगेशन फेरोमोन, जो कि ये बार्क बीटल के लिए यूज किया जाता है। और ट्रायल फेरोमोन होता है जो कि सिफेलिक ग्लैंड इन एंट्स के लिए यूज होता है, मतलब एंट में सिफेलिक जो ग्लैंड होती है वहाँ से ये फेरोमोन निकल रहा होता है। तो ये ढेर सारे सेक्स फेरोमोन होते हैं। फिर आगे है एलिलो केमिकल्स, ये इंटर स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, मतलब एक केमिकल निकलेगा एक स्पीसीज से और दूसरी स्पीसीज जान पाएगी। ठीक, जैसे मान लो वही जो मैंने बताया हिरन और शेर वाला, वैसे समझ लो इंटर स्पेसिफिक, यही इंसेक्ट में लगा के आप देख लेना, ये सबसे आसान तरीका था समझाने का। ठीक, केमिकल्स दैट आर सिक्रेटेड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड कॉज स्पेसिफिक रिएक्शन टू रिसीवर ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक, एक ऑर्गेनिज्म इसको निकालता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको रिसीव करता है। ठीक, इसमें दो तरीके आते हैं, एक तो होता है एलोमोनस। ठीक, एलोमोन्स, इसमें क्या होता है, एलोमोनस में केमिकल्स दैट इज बेनिफिशियल टू रिलीजर एंड नॉट फेवरेबल फॉर रिसीवर,
इसको जो रिलीज करता है उसके लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन इसको जो रिसीव करता है उसके लिए ये घातक होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोमोनेस, ठीक, या एलोमोनेस बोलते हैं। इसके बाद अगला है काइरोमोनेस। इसमें जो फेवरेबल है रिसीवर, जो पाता है उसके लिए अच्छा होता है, और जो रिलीज करता है उसके लिए बेकार होता है। मतलब बिल्कुल जस्ट एलोरोमोन्स का उल्टा है। फिर एक बार समझ लीजिए, जो एलोमोनेस होता है इसमें जो रिलीज कर रहा होता है उसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो रिसीव कर रहा होता है यानी कि जो प्राप्त कर रहा होता है उसके लिए फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है, उसके लिए बुरा होता है। फिर है काइरोमोनेस। इसमें क्या होता है, काइरोमोने में क्या होता है कि जो रिसीव करता है यानी कि जो प्राप्त करता है उसके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इसको जो रिलीज करता है उसके लिए ये अच्छा नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको ये जो मैंने लेक्चर पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।